स्वराज इंडिया ने हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की चुनावी रणनीति की चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज हरियाणा के किसान की आवाज उठाने के लिए एक नई शक्ति की जरूरत है। उसको किसी परिवार से बंधे होने की जरूरत नहीं है, उसको किसी जाति से बंधे होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र यादव ने इनेलो कांग्रेस समेत बीजेपी पर जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है, जो कांग्रेस में पहले थे वही बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई बार तो मुझे लगता है दो अलग पार्टियां नहीं है, चेहरे तो वही है, सारे तो बीजेपी के लोग वही जो कल तक कांग्रेस में घूम रहे थे। मुझे तो लगता है एक नया नाम हमें बनाना चाहिए, भोंग्रेस। ये इस प्रदेश पे, इस देश में राज कर रही है। चेहरे बदल, लेबल बदल जाते हैं, साइन बोर्ड बदल जाता है, वही लोग रहते हैं, वही नीतियां रहती हैं। स्वराज इंडिया सूबे में राजनीतिक जमीन तलाश रही है, जिसको लेकर पार्टी प्रचार के साथ किसानों के मुद्दों के जरिए प्रदेश में पार्टी जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। R9 TV के लिए रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट।